हेलो गाइस, मैं रीनी फरीदाबाद से। आज के इस व्लॉग में मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड से अपने गांव की झलक दिखाना चाहूँगी। तो यह है हमारा घर जो कि जीवई बैज रोड ज़िला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। आइए दोस्तों, प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। घर के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, हरियाली से सटा हुआ गाँव जीवई। दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हैं ये लकड़ियों, फटलों और लाल मिट्टी और पत्थरों से तैयार किए जाते हैं, जो कि शहरों से काफ़ी अलग हैं, जो कि बहुत पक्के माने जाते हैं। ऐसे घरों की रूपरेखा अलग ढंग से तैयार की जाती है। साथ ही साथ यहाँ आप गौशालाएँ भी देख रहे हैं, जिन्हें गढ़वाल में हम छन के नाम से जानते हैं दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता की चमक के कारण हम शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, या फिर गांव की प्राचीन रूपरेखा का नवीनीकरण कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी, गांव का नवीनीकरण करके हम कहीं गांव की पौराणिक विरासतों को खोना दें जिनसे हमें पहचान मिली है। यह पारिवारिक प्रोग्राम है जिसमें परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए हैं, आपस में सभी बातचीत करते हुए। ये मेरे चाचू हैं, चंडीगढ़ से आए हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वीडियो शूट करते हुए। देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। प्रकृति का असली मजा ही इन वादियों में है। ये मेरी ताई जी हैं, छोटी और एक बड़ी, एक हाँसीपुर एक पानीपत से हंसी मजाक करती हुई साथ ही साथ खाना परोस रही हैं। और ये मेरे ताऊ जी पानीपत से। दोस्तों, मुझे गांव की एक और बात अच्छी लगती है, नीचे बैठकर पत्तल में खाना खाया जाता है। गाँव वासियों की जीवन शैली और रहन सहन में ही उनकी संस्कृति का पता चलता है। दोस्तों, ये मेरे बड़े ताऊ जी हैं, चाचू हैं, जो देहरादून में ही रहते हैं। आपस में बातचीत करते हुए ये मेरा भाई, ये छोटी चाची जी हैं, ये लोग गांव में ही रहते हैं। हम लोग तो गांव कम ही जाया करते हैं, इसलिए ताई जी जी हैं गांव वासियों से बात करती हुई, उनका हाल चाल जान रही है। गाँव वासियों को निमंत्रण दिया गया था खाने के लिए। ये मेरी चाची जी हैं और ये काशीपुर वाले ताऊ जी हैं, और भाई सबको खाना परोस रहा है। ये जो आप देख रहे हैं झरना पानी का, ऊपर चोटियों से गिरकर नीचे गदेरे में गिर रहा है। वैसे तो पहाड़ों के ऊपर कई गाने बने हुए हैं, लेकिन इस समय जो मुझे गाना याद आ रहा है उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ठीक कुछ इस तरीके का ही मौसम बना हुआ है, हल्की सी धूप खिली हुई है और थोड़ी सी ठंड। धूप में सब बैठे हुए हैं, यहाँ देखो लाल मिर्च डाली हुई है। ये मेरे ताऊ जी, ताई जी बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, और ये कोई बेल लगी हुई है। और ये देखो सीढ़ीदार खेतों में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, चीड़ के ऊपर कोहरा घना छाया हुआ है। दोस्तों देखो इन पहाड़ों को, बर्फ़ और कोहरे की चादर ओढ़े हुए हिमालय का नज़ारा।
असली सुकून पहाड़ों की खूबसूरती देखने में ही है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने राज्य उत्तराखंड देवभूमि को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखें। तो आओ ले चलें आपको उन हसीन वादियों में जिसे लोग जन्नत कहते हैं, हम तो वहीं से हैं जिसे लोग देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत।